हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीए एंट्रेंस एग्जाम सेट के डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कुछ हमने 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जनगणना हर 10 साल में आती है। तो ये क्वेश्चंस भी हमें पढ़ने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, जो कि भारत सरकार का हो, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार का, या फिर वित्त सचिव भारत सरकार का। तो फ्रेंड्स, 1 रुपए के नोट और जो अदर नोट होते हैं, जैसे कि 10 का नोट, 50, 100, 500, 1000, 2000, 1000 का अब नहीं चलता, 2000, तो इन दोनों के नोट में जो डिफरेंस होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव, जो कि भारत सरकार का होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, और जो अदर नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि नोट पर तो गवर्नर का होता है, लेकिन नहीं, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का होता है, बाकी के रिमेनिंग जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अब जो नोट जारी करने की प्रणाली है वो कौन सी है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, या फिर नित्य प्रत्यय प्रणाली। तो फ्रेंड्स, हमको पता है जो हमारे नोट जारी किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ रिजर्व रखना होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि कुछ मिनिमम अमाउंट रखना होता है। ये गवर्नमेंट जो होती है, जो आरबीआई होती है, उसके पास रखा होना होता है, तब वो जो नोट होते हैं उसको इश्यू करती है। तो ये बैंक का अपना क्राइटेरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे प्रणाली पूछी गई है, तो वो है हमारी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, इंपीरियल बैंक आप जानते हैं, इंपीरियल बैंक 1921 में स्टैब्लिश हुई थी, और उसका नेशनलाइजेशन किया गया था, और नेशनलाइजेशन के बाद उसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया था, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है वो कब किया गया था, 1935 में, 1949 में, 1955 में, 1962 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पे नंबर सी, 1955 में। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको इंपीरियल बैंक बताया, तो वो इस्टेब्लिश हुई थी 1929 में, और जो इंपीरियल बैंक है, इससे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, आप उसको नोट कर सकते हैं, बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया, जो कि 1921 में बना था, और इसको नेशनलाइज किया गया 1955 में, और उसका नाम चेंज करके एसबीआई रख दिया गया। और यहाँ पे 1935 दे रखा है, यहाँ इस टाइम पीरियड में जो आरबीआई है वो बनी थी, और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। तो हमें बताना है जो भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित बैंक था वो कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक, या फिर आईसीआईसीआई। तो फ्रेंड्स, जो हम इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954, 1955, 1956, या फिर 1957। तो बहन फ्रेंड्स, यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े बैंक हैं आपके, उनके सहयोगी बैंक बताने हैं, 5, 7, 8 या 9। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 5। नेक्स्ट आते हैं, नरसिंहम समिति किससे संबंधित है, यानी कि नरसिंहम कमेटी थी वो संबंधित बताने किससे थी? उच्च शिक्षा सुधार से, कर सुधारों से, बीमा सुधारों से, या फिर बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नरसिंहम कमेटी की बात की जाए तो ये हमारे रिलेटेड थी बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, यूटीआई या फिर वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखने की, तो वो करती है हमारी सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक या फिर सहकारी बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप गौर कीजिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात की जा रही है, तो इसके लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो है नाबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें नाबार्ड की स्थापना 1980 में, 1981, 1982 या फिर 1983। तो फ्रेंड नाबार्ड की स्थापना की गई थी सन 1982 में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? बीमा व्यवसाय से, बैंकिंग व्यवसाय से, आयात निर्यात से या फिर शेयर बाजार से? तो फ्रेंड्स अगर हम मंदड़िया और तेजड़िया की बात करें तो ये हमारी संबंधित है शेयर बाजार से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम। फ्रेंड्स कई बार हमारे देश के साथ साथ दूसरे देश की जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है कि टोक्यो की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या नाम है? हांगसोंग, निक्की, टोकाक या फिर डोजोन्स। तो फ्रेंड्स जो टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज है वो है निक्की, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स एक न्यूयॉर्क का भी पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए, न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोला जाता है नैस्डैक। ठीक है, नैस्डैक। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंडिया की जो सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है हमारे इंडिया की BSE। ठीक है, और इंडिया के अंदर दो मेन है, BSE एंड NSE। BSE की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और सबसे पुरानी कौन सी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है, तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2011 के अनुसार है, और लास्ट जो हमारी जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है, क्योंकि 10 साल बाद होती है, अब होगी 2021 में। ठीक है, 1.21 अरब, 1.04 अरब, 1.24 अरब या फिर 1.25 अरब। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उस टाइम हमारी जो जनसंख्या थी वो थी 1.21 अरब, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1872 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या फिर 1890 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स पहली नियमित जनगणना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारी हुई थी टाइम पीरियड सबसे पहले 1881 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 12वीं, 13वीं, 14वीं या फिर 15वीं? तो ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी, तो वो थी हमारी 15वीं जनगणना। आप हिसाब भी लगा सकते हैं 1881 से, तो ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारी 13वीं जनगणना थी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है? 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 31 और 1971 से 1981। तो फ्रेंड्स जनसंख्या विभाजक दशक की बात की जाए तो वो माना जाता है हमारा 1911 से 1921 ईस्वी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को घटता हुआ क्रम बताना है, यानी कि जितनी ज्यादा जनसंख्या उसको हमें घटते हुए क्रम में बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश बिहार रहा महाराष्ट्र। फ्रेंड देखिए तीनों चारों ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले आएगा ही, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम बात करें यहाँ पर घटते हुए क्रम की, तो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आएगा अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिहार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों को बढ़ता हुआ क्रम बताना है। अब आपने घटता हुआ बताया था, अब आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, और सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको हमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है सबसे कम जनसंख्या में। तो देखिए सिक्किम तो सबसे पहले है ही, उसके बाद आएगा मिजोरम, और उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य घटते क्रम में बताने हैं। ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो सर्वाधिक घनी की बात की जाए तो बिहार है पहले, फिर पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद केरल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों का बढ़ता क्रम बताना है। अगेन हम ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, और उसके बाद यहाँ पे सिक्किम आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य बढ़ते हुए क्रम में बताने हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पहले आएगा केरल, तमिलनाडु, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार हमें सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य बताने। तो आप ये फ्रेंड्स एक टेबल बना के याद कीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले हरियाणा आएगा, फिर जम्मू कश्मीर, और उसके बाद सिक्किम। नेक्स्ट आते हैं, 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है, 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर हुई है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। 939, 943, 933, या फिर 937। तो फ्रेंड महिलाओं की जो संख्या है वो है 943। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, या फिर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, केरल। केरल में सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता दर है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। केंद्र शासित की बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स केंद्र शासित के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है वो है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में, और वैसे किसकी थी, केरल की। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। अब यहाँ पे कम की बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स अगर हम कम की बात करें तो सबसे कम 2011 के अकॉर्डिंग है राजस्थान में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली, या फिर दमन एंड दीप। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो कि है दिल्ली, इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठाणे, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, या फिर आगरा। तो फ्रेंड्स अगर हम वहां पे बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो लद्दाख सबसे बड़ा जिला है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। शिवा वावनी के रचनाकार हैं, पद्याकर, भूषण, केशव दास, या फिर जगनिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें शिवा वावनी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अपने 20 डे सीरीज और भी इससे पहले और भी प्रैक्टिस सेट कराए, उसमें ये सब में कराई हुई है। शिवा वावनी हर बार पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवा वावनी है भूषण के द्वारा लिखी हुई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पर्यायवाची शब्द भी अपने कराए हुए हैं इम्पोर्टेंट।
जलधर, नभराज, अब्द और धराधार, धराधार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, धराधार पर्यायवाची नहीं है बादल का। नेक्स्ट आते हैं जहां बिना कारण के कार्य ना होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या फिर भ्रांतिमान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभावना, क्योंकि जहां पर बिना कार्य के कार्य यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पर कारण होता है तब कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर जो अलंकार होता है वो विभावना होता है, विभावना। ठीक है, मोर नाच रहा है इस वाक्य में मोर क्या है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ। तो मोर नाच रहा है यहाँ पर मोर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मोर एक जाति को बता रहा है। ठीक है, ये नहीं पता कौन सा मोर, लेकिन मोर जो है एक जाति है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मोर आते हैं, कोई भी मोर हो सकता है। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी, राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या फिर बघेली। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट है जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर, प्रतिनिधि। तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर जो पहरा दे रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रहरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, चंदवरदाई, जगनिक, दलपति विजय या फिर विद्यापति। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदवरदाई। ठीक है, नेक्स्ट है विभत्स रस का स्थाई भाव क्या है, मैं आपको सबके स्थाई भाव करा चुकी हूँ, आप 20 डे सीरीज देख लीजिएगा, विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा या फिर शोक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विभत्स का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है साप परिवार में कौन सा उपसर्ग है, तो फ्रेंड्स आप यही अलग से लगा लीजिए, लास्ट का जो वर्ड है उसका अलग मीनिंग होना चाहिए, तो आगे सा लग रहा है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सा यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिहारी भाषा की बोली नहीं है, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या फिर मगही। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी, बिहारी भाषा की बोली नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छाटना है, विलक्षण, विलक्षण, विलक्षण या फिर विलोक्षण। तो सही वर्तनी है विलक्षण, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है, जैसे कि पाठ पढ़कर कल आइए, ठीक है ये गलत है, कल आइए पाठ पढ़कर ये भी गलत है, पाठ पढ़कर आइए कल ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, कल पाठ पढ़कर आइए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से योगऋण शब्द बताना है, अगेन 20 डे सीरीज में मैं ये पूरी वीडियो करा वर्णमाला से रिलेटेड सारी चीजें आपको करा चुकी हूँ, योगऋण और ये संयुक्त वर्ण, ये स्वर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, ये सारा मैं आपको डीपली करा चुकी हूँ, तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पंकज, दयानिधि, पानी या फिर शिलिकाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा योगऋण शब्द है, क्योंकि योगऋण शब्द वो शब्द होते हैं जिनका जिनका बस नाम रख दिया जाता है वो उसी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई सेंस नहीं होता कि इसका नाम, जैसे पानी है, पानी का नाम पानी क्यों रखा गया ये हमें नहीं पता, बस इसका नाम रख दिया गया है और हम उसी से जानते हैं पानी। ठीक है, तो कुछ चीजों के बस नाम रख दिए जाते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि क्या सेंस था, किस वजह से इनके ये नाम रखे गए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 12, 14, 16 या 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 16 होते हैं। और फ्रेंड दोहा की बात की जाए तो दोहा में जो मात्रा होती है वो होती है हमारी 24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और बिहारी के क्या प्रसिद्ध है, बिहारी के दोहा प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है राजभाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा, साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा,
या फिर बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका किसकी कृति है? सूर, तुलसीदास, जायसी या फिर मच्छन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखी हुई कृति है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? आन, अब देखिए प्रत्यय है तो आप बाद में देखिए चुलबुला, ठीक है, चुलबुला एक अलग मीनिंग हो गया, बाद में क्या बचा? पन। तो आप इजीली बता सकते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें सॉरी चुलबुलापन बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर सी, अन, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शांति दूत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद। तो शांति दूत में बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है, तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, आजन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष समास, दिगु या फिर अव्ययी भाव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है डी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर केशव दास। तो रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, आपका रिवीजन हुआ होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर आप फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी और तरह की वीडियो चाहते हैं, आपके माइंड में कोई और आइडिया है तो आप ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड मैं आप सोच रही हूँ कि मैं आपको कुछ रफ वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँ, रफ वीडियो इन द सेंस मैं आपसे कुछ बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको करवाऊंगी जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वैसे ऑलरेडी मैं इस तरह की वीडियो आपको करा चुकी हूँ 20 डे सीरीज से पहले, जैसे कि मैं आपसे वहाँ पर कोई कोई टॉपिक ऐसा होगा उससे जो मुझे लगता होगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं उससे वो आपको वहाँ पर एक तरह से आपका रिवीजन उनसे करा दूंगी। तो इससे होगा कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है उससे आपका भी रिवीजन होगा और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते 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 इतनी सारी चीज़ें आगे तक पढ़ जाते हैं कि हमने पीछे जो पढ़ा है हम उसका रिवीजन नहीं कर पाते या फिर भूल जाते हैं कि हाँ ये भी हमने पढ़ा था। तो अगर मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाऊंगी तो आपको वो सारी चीज़ें भी रिकॉल हो जाएंगी कि हाँ आपने ये भी पढ़ा था, आपको इस चीज़ का भी रिविज़न करना है। बार बार मैं फ्रेंड्स आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ एक बार अपने एग्जाम से पहले तक 20 डे सीरीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि 20 डे सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, 20 डे सीरीज को जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए 20 डे सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था 20 डे सीरीज बनाने का कि आप अगर आप एंड मोमेंट पर भी उन सीरीज को देखो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो 20 डे सीरीज आपको जरूर देखनी है, ये प्रैक्टिस सेट करते रहिए अपना। आप जो कोई बुक लेकर आए हैं या फिर किसी और चैनल पर भी जाते हैं तो वहां से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपको, पास्ट बस अब एक महीना है क्योंकि 8 अप्रैल को आपको एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको रफ वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे लगेगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। एक और फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आप कई सारे बच्चों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक वहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और वहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पर आप माय कॉमर्स इन्फो सर्च कीजिए, कॉमर्स पूरा लिखिएगा, माय कॉमर्स इन्फो सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो वहां जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार लिंक वर्क नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें देखूं, क्योंकि अभी मैं आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ डेली के, और साथ ही साथ मुझे मेरे एग्जाम का भी पढ़ना होता है। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी ये देखूं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो प्लीज़ आप अभी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि अगर हो सका थोड़ा टाइम मिला तो मैं देखूं लिंक क्यों नहीं काम कर रही है, ठीक है। तो आप इतना करिएगा काम, ऊपर से अपने प्रैक्टिस सेट करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको आपको कॉन्फिडेंस देंगे, ऊपर से आपके अंदर एक
पेपर सॉल्व करने की एक प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।